है और कन्या बड़ जल्दी इसको ग्रास करें। चाहे बेसिक नॉलेज के रूप में ये ज्ञान हो और चाहे एडवांस के रूप में ये ज्ञान हो, ईश्वर ज्ञान को ग्रास करने में माता और कन्या बहुत शक्ति दी जाती है। भाई लोग थोड़ा बाहर के वाइब्रेशन में रहते हैं, दुनिया में वाइब्रेशन बाहर का उतना संस्करण नहीं होता, इसलिए उनके ऊपर जल्दी असर होता है। और मैंने देवर है ना लड़का का नाम बिल्कुल ऐसा बताया ना, मैंने आपको हमेशा वो उसको शिव बाबा ही पुकारता है। मैं यही बोलती हूँ तू अनजाने में भी बोलो मगर बुलाता तो शिव बाबा को, मतलब इतना मत ज्यादा भक्ति भी नहीं करता है, ज्यादा मेडिटेशन करना ऐसी कोई बात नहीं, और बुलाता है मेरे को बताओ भाभी क्या है, बाबा को मिलकर आई है तो बताती ना, क्या बोला क्या बताऊं, कुछ जानते तो नहीं। इसलिए कभी कभी लगता है हैदराबाद से किसी को बुलाऊं या ताड़ेपल्ली गुड़ा से किसी बहन को बुला करके भी सब जी गाँव चले जाएंगे, सबको कोर्स दे दे ऐसा लगता है। एक घंटा एक घंटा क्लास में चला कोर्स क्या है, कोर्स कोई ऐसी बात नहीं है, कोर्स मानो कोर्स कुछ भी सुना है, लेकिन हम बाबा का परिचय दें, बाबा के बारे में उनको कुछ संदेश दें, वही कोर्स का कोर्स है। आत्मा उमंग उत्साह में आ जाए, उनके ऊपर छाप बैठ जाए, मुद्र दर्द दूर होने लगे, क्योंकि दुनिया से जो चीज नहीं प्राप्त हो सकती है वो हमें दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी हस्ती जिसे भगवान कहा जाता है हमें उसकी प्राप्ति हो रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। निराकार का देना, आत्मा निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, आत्मा जिंदी है, जो हिंदू आत्माओं का बाप तो वो भी जो हिंदू है। आत्मा को अपने भारतीय परंपरा में गीता में अणुमान संप बोला गया है, अणु से भी अनुरूप है आत्मा, मन अति सूक्ष्म है, जिसकी यादगार में मस्तक में बिंदी लगाते हैं, आत्मा यहाँ टिकी हुई है उसकी यादगार में टीका लगाते हैं, तो वो आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप परमात्मा शिव ज्योति बिंदु का परिचय वो बेसिक नॉलेज है। और उसके बाद वो शिव ज्योति बिंदु जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है, और वो शिवलिंग कैसे साकार में प्रवेश करके साकारी कर्मेंद्रिया होते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है, साकार में प्रवेश करके साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में कैसे रहता है, साकार भगवान प्रवेश कान है निराकार कान है फिर भी कान होते हुए भी कानों से जैसे सुनते हुए न सुनना, दुनिया वो कलंक के धर्म में आता है तो दुनिया कलंक लगाती है ग्लानी करती है लेकिन उस ग्लानी को नहीं सुन अंदर नहीं धारण करता, तो ऐसे कान मजबूत करना ये उस निराकार का काम है। साकार में आते हैं आंखों से सब कुछ दुष्कर्म देखता है, देखते देखते हुए भी न देखना और उसको अंदर धारण न करना किसी के अवगुणों को, वो भगवान बताए निराकार जो पहली आत्मा इस सृष्टि पर संसार में प्रत्यक्ष होती है निराकारी स्टेज में उसका, ऐसे ही नाक है मुख है या जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया किया नहीं किया बराबर कर्म किया जाता है तो उसका लेखक्षेप लगता है पाप या पुण्य बनता है, लेकिन जब कर्म किया और उसका मन के ऊपर कोई असर ही नहीं मन बुद्धि के ऊपर तो जैसे कि वो पाप या पुण्य बनता ही नहीं, तो ऐसी निराकारी स्टेज जो है वो भगवान स्वयं प्रवेश करके जिस मुकदमे रथ में पार्ट बजाता है उसको कहा जाता है अपनी भारतीय परंपरा में शिव शंकर बोलेना,
दो नाम, शिव शंकर, दो नाम क्यों दे दिए, एक ही नाम दे देते? नहीं, आत्माएं दो है, शिव सुप्रीम सोल का नाम जो जन्मण के चक्र में ही आता है, और शंकर आत्मा का नाम है जो जन्मण के चक्र में भी आती है, लेकिन यहाँ संगम युग में ऐसा पार्ट बजाती है जैसे कि जन्मण के चक्र में नहीं आती। तो एक ही तुरिया ऐसी आत्मा है जो बेहद में ऐसा पार्ट बजा के दिखाती है संसार में कि जैसे जन्मण उसका होता ही नहीं, माना हद में तो जन्मण ये होता है कि बच्चा गर्भ में आता है आत्मा बनके और फिर प्रवेश होकर के अपना गर्भ में 9 महीने का पार्ट बजाता है, फिर बाहर आता है, बाहर आता है तो उसका जन्म कहा जाता है, वो अपने बाप को पहचानता है, जब बड़ा होता है समझदार होता है तो बाप को पहचानता है, माँ को पहले से ही जानता है। ऐसे ही यहाँ बेहद में जो परमात्मा शिव आकर के ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनने वाले जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो ऐसे जो ब्राह्मणों की सृष्टि बनती है, तो ब्राह्मणों की सृष्टि में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनते हैं उनमें ये सिफ्त आ जाती है कि जिससे पैदा होते हैं वो गुण उनके अंदर भी आते हैं ज्ञान सुनते सुनते, माने वो चाहे तो प्रैक्टिस करके खुद को आत्मिक निराकारी स्टेज में धारण कर सकते हैं। आत्माएं निराकारी बने तो बनेंगे कैसे, वो परमात्मा जो निराकार है सदैव, जो कभी साकार में आता नहीं है, माने गर्भ में प्रवेश नहीं करता, जो हमेशा अभोक्ता है, हम आत्माएं सब भोगी है मनुष्य आत्मा, और वो अभुक्ता है, वो निराकार शिव ज्योति बिंदु, वो शिव ज्योति बिंदु जैसी इस सृष्टि में कोई आत्मा नहीं, उस शिव ज्योति बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग बनता है। शिवलिंग का मतलब है तो वो भी बिंदु शिव, लेकिन वो बड़ा रूप धारण करता है, माने किसी शरीरधारी में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है जैसे कि इंद्रियां हैं नहीं, माने उसको कर्मों का लेपक्षेप, कर्मेंद्रियों से जो कर्म किया जाता है उसका लेपक्षेप नहीं लगता, उसको कहा जाता है शंकर। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, शिव शंकर भोलेनाथ, शिव पिता, शंकर बच्चा। जितने भी देव आत्माएं हैं 33 करोड़ देव आत्माएं, उन 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़ा देवता जिसे महादेव कहा जाता है वो है शंकर। तो वो देवता है, परमात्मा परम पिता नहीं, वो परम पिता शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो कहा जाता है परम पिता परमात्मा, परमात्मा परम पिता नहीं, क्या कहा जाता है, परम पिता शिव और परमात्मा जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसी आत्मा, जितनी भी जन्मण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन सब में परम है। माता जी को नजदीक ले आओगे तो उनके कान में ही पड़ेगा, आप बता रहे हो सुनाई नहीं पड़ता है। तो कान की मशीन भी बनवाई है क्या, है अभी मशीन लगी हुई, अभी तक तो आप पूछे जो कुछ बाबा बोल रहे थे वो आप सुन रहे थे क्या, बाबा चेपिंदा नसें बहुत वीक हो गई है, मशीन वीक हो गई है, नसें वीक हो गई बाबा, अब डॉक्टर भी बोला हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी एक्शन से समझ लेते हैं, मूवमेंट से ही समझ, मूवमेंट से समझ। अच्छा सर, तो शिव और शंकर ये दो आत्माएं अलग अलग, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा समझा जाता है, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि शिव शंकर एक है,
शिव शंकर एक ही है, लेकिन ये तो अज्ञानता की बात है। शिव अलग आत्मा, उसका अर्थ है कल्याणकारी, और शंकर सारे संसार में शमन कर दे, शांति उत्पन्न कर दे, शांति के वाइब्रेशन फैला दे, उसको कहते हैं शंकर। शांति कब होगी? जब सारी दुनिया का संहार होता है तो शांति शांति हो जाती है। दुनिया की आबादी जब बहुत बढ़ जाती है तो अशांति हो जाती है, और बड़ी हुई सारी दुनिया 500-700 करोड़ जोड़ी मनुष्यों की दुनिया, वो सारी संहार हो जाती है हर हर बम बम एटम बमों के विस्फोट से। शिव का नाम हर भी है, हर माने पापों को हरण करने वाला, तो जो पापों को हरण करने वाला शिव है वो शंकर के द्वारा हर बनता है। ज्योति बिंदु रूप में कभी हर नहीं, हर बन नहीं बन सकता, माने पापों का हरण नहीं कर सकता। वो जब प्रवेश करता है महादेव में, शंकर में, तब वो हर बका हर कहा जाता है। हर और हरि दोनों में अंतर है। हर कहा जाता है शंकर के लिए, सब पापों का हरण कर देता है, और हरि कहा जाता है शंकर जो है सारे विश्व का पिता है, जगत का पिता है। जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरम, सारे जगत का जो पिता है वो पिता इस सृष्टि पर आकर के जिस पहले बच्चे को जन्म देता है, सती की नई सृष्टि जो स्थापन होती है, और इस नई सृष्टि में आकर जिस पहले बच्चे को जन्म देता है उसका नाम पड़ता है कृष्ण। इसलिए शास्त्र में कहते हे कृष्णा नारायण वासुदेव, माने कृष्ण और नारायण एक ही है, अलग अलग नहीं। वो कृष्ण 16 कला संपूर्ण, वो इस सृष्टि का पहला पत्ता बनता है, सृष्टि रूपी वृक्ष है, वो सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण, उसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। सोलह कला संपूर्ण जो कृष्ण कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सतयुग में होती है 16 कलाएं, त्रेता में होती है 14 कलाएं मनुष्य शक्ति, और द्वापर में होती है 8 कलाएं, और कलयुग में 4 कला से नीचे उतरते उतरते कला शून्य कलाएं सब खलास, माने आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाए। तो कृष्ण को जो 16 कला संपन्न इसलिए कहा जाता है कि वो सतयुग की आग में जन्म लेता है, लेकिन शास्त्रकारों ने गलती से कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। क्या के कृष्ण भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया, और महाभारत युद्ध में जो महाभारत युद्ध में पांडवों की 5 की विजय हुई, और बाकी सारी सेना जो कौरव सेना थी, यादव सेना थी, वो अपोजिशन में थी, वो सब खलास हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर के अंत में जब कृष्ण भगवान भगवान बन के आया तो क्या उसने पापी कलयुग की स्थापना की? भगवान आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके थोड़े जाएगा, भगवान आएगा तो पुण्य की दुनिया बना के जाएगा या पाप की दुनिया बना के जाएगा, फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, भगवान ने बैठ करके शास्त्र नहीं लिखे। क्या जैसे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम मोहम्मद आए तो उन्होंने कोई कुरान शरीफ लिखी नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से बोला। क्राइस्ट ने आकर के बाइबल मुख से बोली, बाइबल के महावाक्य, उन्होंने कोई बाइबल लिखी नहीं। ऐसे ही गुरु नानक ने तो डायरेक्ट मुख से बोला, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब है वो लिखा नहीं,
इन धर्म पिताओं के आने के 300-400 वर्ष के बाद जब जनरेशन इनकी बढ़ जाती है तो वो पुस्तकें लिखी जाती है। ऐसे ही जो सनातन धर्म का पिता है, परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसे दूसरे धर्म वाले गॉड फादर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह मियां कहते हैं, वो भी इस सृष्टि पर जब आता है, अल्लाह आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, उसको कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, दीन बने धर्म, सबसे ऊंचे से ऊंचे धर्म की स्थापना करने वाला। इस सृष्टि पर जब आता है तो वो आकर के 16 कला संपूर्ण सृष्टि की स्थापना करता है। कलाहीन सृष्टि नहीं बनाता है आकर के, जैसे लिख दिया है शास्त्रकारों ने, वो द्वापर के अंत में आता है और कलाहीन कलयुग की स्थापना करता है, ये बात बिल्कुल गलत। सच्चाई जो है सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, अपने हिंदुस्तान में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, क्या उसका पहला नाम है सत्य, जो सत्य है वो ही सुंदर है, क्या अगर असत्य है तो सुंदर हो ही नहीं सकता। सत्यम शिवम, जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है, अगर झूठ है तो कल्याणकारी हो नहीं सकता। सत्यम शिवम, ये दो गुण जिसमें है वो सुंदर, सत्य हो और कल्याणकारी हो, वो ऐसी सुंदर। तो अपने हिंदुस्तान में तो भगवान का नाम सत्यम कहा ही जाता है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, ये गीत भी बनाए हुए हैं, लेकिन क्रिश्चियंस लोग भी गॉड फादर को ट्रुथ मानते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ, क्या है, सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बिंदी है, प्रैक्टिकल रूप में कोई बड़े फॉर्म में तो आता नहीं, बड़े रूप में तो आता नहीं, वो बिंदी है, गर्भ से जन्म लेता नहीं, वो जब बिंदी सृष्टि पर आती है तो सच्चाई सुनाती है किसी शरीर में प्रवेश करके, तो जो सच्चाई सुनाती है वो सत्य सत्य ज्ञान ही वास्तव में शिव का स्वरूप है। शिव और कोई रूप में संसार में प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता, पहले वो ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष होता है, पहले ज्ञान दाता या पहले ज्ञान, तो बिंदी है, इन आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे, जो सुप्रीम सोल शिव है वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, अपनी आत्मा ही नहीं आंखों से देखी जा सकती, दूसरों की आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, तो जो सुप्रीम सोल है उसको कैसे देखेंगे। तो पहले ज्ञान आता है, ज्ञान माने सच्चाई आती है, ज्ञान माने जानकारी, किस चीज की जानकारी, सच्चाई की जानकारी, किस चीज की सच्चाई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी सृष्टि चक्र क्या है, इसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान वो ज्ञान, उसको कहा जाता है पहले रूप में, जो ज्ञान बेसिक रूप में आता है उसका नाम शास्त्रों में मुरली देते हैं, क्या भगवान ने आकर के जो बेसिक रूप में ज्ञान सुनाया उसका नाम है मुरली। मुरली नाम क्यों दिया, वीणा नाम दे देते, नगाड़ा नाम दे देते, क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि दुनिया में जो भी माँ बाप होते हैं वो बच्चों की पालना के लिए पहले माँ को निमित्त बनाते हैं, माँ जो होती है वो बच्चों की बड़े प्यार से पालना करती है, बाप इतने प्यार से पालना नहीं कर सकता बच्चों की, माँ जितने प्यार से पालना कर सकती है, सारी दुनिया फॉलो उसी को करती है, जो परम पिता जब इस सृष्टि पर आता है तो जो आकर के वो पहले से पहले इस सृष्टि पर बड़ी माँ के रूप में सारी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, बड़ी माँ, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया है ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माने वो सुप्रीम सोल, इस सृष्टि में आकर के जिस तन में प्रवेश करता है
प्रवेश करके संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होता है वो माँ का रूप है। इस सृष्टि पर आकर के जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है वो व्यक्तित्व वही आत्मा है जो सतयुग की याद में कृष्ण बच्चा थी। हे कृष्ण नारायण, कृष्ण बच्चा बड़ा होकर के नारायण बनता है। वो अपने 84वें जन्म में आकर के साधारण वृद्ध मनुष्य बन जाता है जिसका नाम दादा लेखराज पड़ता है, और उस दादा लेखराज में सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करके ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुल जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में आप उनके एड्रेसेस ले सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल में अभी एड्रेसेस लिए जा सकते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देश विदेश में, और भारतवर्ष के तो गांव गांव में खुले। तो ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के माँ के रूप में पार्ट बने पहले पहले, यानी बच्चों को बड़े प्यार से पालना देता है। वो प्यार की जो वाणी है, मीठी मीठी वाणी, जैसे माँ बच्चों को सुलाती है तो लोरी देती है ना, खाना खिलाती है तो भी प्यार में आकर के गीत गाती है, तो ऐसे ही परमात्मा की जो वाणी है वो मीठी मीठी वाणी है बूढ़े तन के द्वारा। वो मीठी वाणी का नाम मुरली इसलिए दे दिया है कि उसमें मिठास भरा हुआ, शास्त्रों में उसका नाम मुरली दिया है ना। तो वो मुरली जो है वो माउंट आबू से चलाई गई है, वो ये प्रैक्टिकल में देखी जा सकती है। माउंट आबू से ब्रह्मा के तन से, दादा लेखराज के तन से, यानी कृष्ण के 84वें जन्म के शरीर में आकर के परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई है उसका नाम मुरली, और वो मुरलियां अभी भी छपाई जा रही। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उनको शरीर छोड़े हुए अभी करीब 3537 वर्ष हो चुके, 37 साल उनको शरीर छोड़े हुए हो चुके, लेकिन वो मुरली ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अभी भी प्रिंट होकर के सभी सेंटर्स में भेजी जा रही। वो जो मुरली भेजी जा रही है उस मुरली में ही लिखा हुआ है कि मुरली जो है वो तीन प्रकार का असर करने वाली है। फर्स्ट क्लास मुरली वो है जो बाबा मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं, क्या जो सेवा सुप्रीम सोल किसी साकार तन में आकर के डायरेक्ट मुरली सुनाता है वो है फर्स्ट क्लास मुरली, और सेकंड क्लास मुरली वो है कि जो डायरेक्ट मुख से सुनाई है वो टेप रिकॉर्डर में नूद हो जाती है, माने जैसा सुनाई है वैसा ही टेप रिकॉर्डर सुनाएगा। और गुड सेकंड क्लास वो है जो अभी वीसीडी में, डीवीडी में उसका चित्र भी देखने को मिलता है, वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे लेकिन हलन चलन एक्ट वो सारी देखने में आएगी, तो ज्यादा गहराई से समझी जा सकती है गुड सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास मुरली वो है जो भगवान बाप बोलते हैं और वो प्रिंट मशीन में प्रिंट हो जाती है, तो उसमें बाबा की ज्यों की त्यों वाणी नहीं होगी बोली, क्योंकि जो प्रिंट करेगा वो पहले शॉर्ट एंड कर किया होगा, उसने बोलते समय किसी ने शॉर्ट एंड किया होगा, शॉर्ट एंड करते समय गलतियां हो जाएगी, शॉर्ट एंड करने के बाद फिर उसको साइकिल स्टाइल या प्रिंट में डालेगा तो कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा, क्योंकि लिखने वाले से गलती, जब शॉर्ट एंड को वो प्रतिलिपि बनाएगा तो उसकी गलतियां होंगी, कुछ प्रिंट करने वाला जो कंपोज करता है वो गलतियां करेगा तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े में एक बूंद सांप का बूंद डाल दिया जाए, विष का, तो सारा क्या हो जाएगा, थोड़े समय के बाद सारा ही घड़ा दूध का भरा हुआ विष बन जाए। ऐसे ही भगवान की जो वाणी है उसमें अगर थोड़ा भी मिक्सरिटी हो गई गलती से भी
तो थोड़े समय के बाद वो सारा ही विषैला हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रह जाता। तो इसलिए आप जो अभी बता रहे थे कि हम पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ा हुआ जो है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो प्रिंट करने में गलतियां होती हैं। जो टैप रिकॉर्डर सुनाता है वो एक्यूरेट है, और जो वीसीडी से हमारे सामने आता है या डीवीडी से हमारे सामने आता है वो थोड़ा और रिफाइंड है। तो अगर सन्मुख हमको नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, उनको तो शरीर छोड़े हुए 35-40 वर्ष होने जा रहे हैं, तो वो साकार ब्रह्मा का तंतु गया। हो सकता है सुनने वालों में से कोई कोई ने पूर्व जन्म में सुना हो, क्या? क्योंकि पूर्व जन्म तो आज से 69-70 साल पहले, सन 36 में, आज से 69-70 ईयर्स पहले, सन 36 में परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में प्रवेश करके या उनमें प्रवेश करके ये बात, ज्ञान की बात सुनाना शुरू किया था या साक्षात्कार शुरू किया था। यानी इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत सन 36 से हुई थी। तो उस समय से लेकर के अब तक अगर किसी की आयु 69 या 70 से कम है तो हो सकता है उसने पूर्व जन्म में सुना हो। पूर्व जन्म में सुना है तो इसका मतलब डायरेक्ट उसने माँ की पालना पूर्व जन्म में ली। अब माँ के रूप में जो मीठी तान सुनाने वाली हस्ती थी वो तो चली गई। अब क्या वास्तव में जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर ज्ञान चल रहा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उस ज्ञान को सुनने वाले जो है वो आत्माएं है, क्या डायरेक्ट भगवान के वचन से नहीं सुन सकती? भगवान क्या ज्ञान सुना करके ही चला जाता है? जैसे धर्म पिताएं आते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी आया राम गया राम हो जाता है, सृष्टि में परिवर्तन करके नहीं जाता? क्या नई दुनिया बना के भगवान नहीं जाता? जैसे और धर्म पिताएं आए और आकर के चले गए और दुनिया नीचे गिर रही, तो क्या भगवान भी ऐसे ही करता है? भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता। भगवान आएगा तो अपना काम पूरा करके जाएगा, और भगवान ही एक ऐसी हस्ती है कि जो पुरानी सृष्टि को, नरक की दुनिया को स्वर्ग बना करके जाता है। इब्राहिम आए, वो भी धर्म पिता हुए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध आए, वो भी धर्म पिता हुए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट आए, वो भी धर्म पिता हुए, धर्म की स्थापना की, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। कितने बड़ी बड़ी हस्तियां आई और दुनिया के इतनी जनरेशन उनकी फैली हुई है, उनको उन्होंने आकर के पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पढ़ा करके गए, और उसके बाद दुनिया जनरेशन उनकी नीचे गिरने लगी। तो क्या भगवान भी ऐसा ही करके जाता है? नहीं, भगवान इस सृष्टि पर आता है तो जिनको पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं में नंबर वाली, जो भी सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है उनमें दो तरह की होती है। एक तो माँ के रूप में सन्मुख बैठ करके सुनती है। भगवान जब माँ के रूप में आता है, शास्त्र में लिखा ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, श्लोक है ना, तो भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तुमेव माता च पिता, भगवान के लिए गाते हैं ना, तो भगवान माता भी बनता है, भगवान पिता भी बनता है। माता किसके थ्रू बनता है? ब्रह्मा के थ्रू। लेकिन माँ के थ्रू वो सिर्फ ज्ञान का डोज देता है, माने ज्ञान का दूध पिलाता है, बच्चों को बच्चे के रूप में पालना देता है, माँ के रूप में बेसिक नॉलेज देता है, लेकिन ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ाता।
माँ जो है बेसिक नॉलेज की घर में बैठे पढ़ाई पढ़ाएगी। जब बीए एमए की पढ़ाई पढ़ी जाती है तो बच्चा क्या माँ से पढ़ता है? तो उनकी पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना पड़ता है ना एडवांस में। तो ऐसे ही परमात्मा शिव भी सिर्फ ब्रह्मा के तन में आकर के मुरली चला के नहीं चला जाता, वो तो एक मूर्ति का कार्य है। शिव के लिए तो कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। इस सृष्टि के देवताएं हैं उनकी संख्या है 33 करोड़, और 33 करोड़ देवताओं में श्रेष्ठ देवताएं हैं अष्टदेव, और अष्टदेवों से भी श्रेष्ठ हस्तियां जो हैं वो हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा कार्य करके नहीं चला जाता, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण वर्ग की स्थापना करके फिर वो जो ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार होती है उस ब्राह्मणों की शक्ति में चुनाव करता है श्रेष्ठ आत्माओं का। क्या? श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करता है, पढ़ाई पढ़ाता है ना। तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले टीचर्स होते हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले जो पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो एग्जाम भी तो लेते हैं बच्चों का। एग्जाम लेते हैं तो उनके नंबर भी तैयार होते हैं। क्लास में नंबरिंग होती कि नहीं? कोई बच्चे क्लास में अव्वल नंबर लेते हैं, कोई बच्चे अव्वल नंबर लेते हैं क्लास में, क्लास में फर्स्ट क्लास आते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं, अव्वल नंबर तो नहीं लेते लेकिन फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि सेकंड क्लास पास होने वाले की लिस्ट में आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती। कोई ऐसे होते हैं कि थर्ड क्लास पास होने वाले की लिस्ट में आते हैं, उनकी संख्या और ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं। तो ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। ईश्वर आकर के जब इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाता है तो ज्ञान सुनाने के बाद उस ज्ञान की परीक्षा भी लेता है। परीक्षा में ऐसे नहीं कि बेसिक ज्ञान में आने वाले सारे ही एडवांस ज्ञान में चले जाएंगे, ऊंची पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे। दुनिया में तो ऐसे ही होता है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीए एमए की पढ़ाई पढ़ते हैं? सारे ही पढ़ते हैं क्या? बेसिक नॉलेज में बहुत होते हैं और एडवांस नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर भी जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा जो बेसिक नॉलेज देता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के थ्रू, तो वो आकर के उसको चुनाव करता है। उस चुनाव में जो बच्चे पास होते हैं उनका क्लास में ट्रांसफर होता है। बेसिक नॉलेज से वो बच्चे एडवांस नॉलेज में जाते हैं, ऊंची पढ़ाई। तो जिनका क्लास ट्रांसफर होगा उनका स्थान भी बदल जाएगा और टीचर्स भी बदल जाएंगे कि वही टीचर्स रहेंगे। टीचर्स बदलते हैं ना। तो ऐसे ही इस ईश्वरीय ज्ञान में ब्रह्मा और सरस्वती जो निमित्त बने थे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए वो तो चले गए। उनके चले जाने के बाद फिर दूसरी मूर्ति में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं। वो दूसरी मूर्ति कौन? जैसे पहली मूर्ति है कृष्ण वाली आत्मा जो सत्यु की आदि का पत्ता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण अंतिम जन्म में 84वें जन्म में कलयुग के अंत में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है वृद्ध ब्राह्मण, और उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ऐसे ही वो ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया, उसके बाद परमात्मा शिव दूसरी मूर्ति में प्रवेश करते हैं। वो दूसरी मूर्ति भी राम वाली आत्मा है जो त्रेता में राम कही जाती है। वो ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में कोई साधारण वृद्ध या बटुक ब्राह्मण बनती है। पहले जो योगियों में ईश्वर के रूप में गाये हुए हैं वो है सनत कुमार, सृष्टि के आदि पुत्र। क्या?
ब्रह्मा से जो पहले चार पुत्र पैदा हुए हैं, वो उन चार पुत्रों का नाम शास्त्रों में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम दिया गया। उनमें सबसे बड़े जो हैं, वो सनत कुमार गाए गए। सनत कुमार इसलिए बड़े गाए गए, वो ज्ञान में बहुत तीखे थे। तो बड़ा और छोटा, क्योंकि बेहद की सृष्टि तैयार हो रही है, इसलिए ज्ञान के आधार पर जो बड़ा वो भी बड़ा ठहरा है ईश्वर की नजर में। क्योंकि भगवान तो ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है, ज्ञानी तू आत्मा है। जैसे रामायण में लिखा, ज्ञानी प्रभु प्रवेश प्यारा, ज्ञानी आत्मा है परमात्मा को विशेष प्रिय, भक्त भी प्रिय है, लेकिन जो ज्ञानी बनते हैं वो भगवान को विशेष प्रिय। क्योंकि भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान का विषय। तो ज्ञान माना जानकारी, ज्ञान जानकारी लेने में जो सबसे तीखे जाते हैं। भगवान का प्रैक्टिकल रूप और कोई चीज नहीं होती, भगवान तो आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो ही उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। भगवान तो ज्योति बिंदु है, वो बिंदु को आकार आकार शिवलिंग दिखाया गया है। शिवलिंग जो है वो गांव गांव में शहर शहर में उसका रूप बना हुआ है निराकार की यादगार। वो जन्मण के चक्र में नहीं आता, जन्मण के चक्र में वो आत्माएं आती है जिनमें वो प्रवेश कर सकता है। तो जिनमें प्रवेश करता है उन आत्माओं को वो फर्स्ट क्लास रूप में संसार के सामने प्रवेश करता है, प्रत्यक्ष करता है। वो है भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले 108 श्रेष्ठ आत्माएं, जो माला के मणकों के रूप में हर धर्म में सुमिरण किए जाते हैं। आज भी कोई धर्म ऐसा नहीं है, नास्तिक धर्म को छोड़ करके, रसिया को छोड़ करके, जहां माला न स्मरण की जाती। माला की जो 108 मणके हैं वो उन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, जो हर धर्म से आत्माएं चुनी जाती और चुन करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के ब्राह्मण बनते। उन्हीं ब्राह्मणों में से, बेसिक नॉलेज लेने वालों में से फिर चुनाव होता है तो वो एडवांस में आते हैं। और वो एडवांस में आने वाली जो आत्माएं हैं, वो दूसरी मूर्ति जो शंकर की मूर्ति कही जाती है, माने राम वाली आत्माएं ही इस कलयुग के अंतिम जन्म में जब एटम बम तैयार होते हैं, तो उस समय हर हर बम बम का नारा प्रैक्टिकल में साबित करने वाली शंकर की मूर्ति साबित। शंकर को महादेव क्यों कहा जाता है, दूसरी देवताओं को महादेव क्यों नहीं कहा गया? जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा देवता कहा जाएगा। बड़ा काम कौन? दूसरे धर्म के धर्म पिताएं जितने भी हुए हैं उन्होंने वो बड़ा काम नहीं किया। जितना बड़ा काम परमात्मा सेवक शंकर के द्वारा करा दिया। कौन सा कार्य? सब धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की है, अपने अपने धर्म की धारणाओं को सुनाया है और धर्म की स्थापना करके चले गए। पुरानी परंपराओं को किसी ने नष्ट नहीं किया, पुराने जो धर्म चले आ रहे हैं उनको नष्ट नहीं किया। जब पुरानापन खत्म नहीं होगा और नया धर्म स्थापन हो गया तो दोनों में क्या होगा? टकराहट ही तो होगी। तो इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। सनातन धर्म तो भारतवर्ष में पहले से ही स्थापन था। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया। गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म स्थापन कर दिया। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने अपना अपना धर्म की धारणा स्थापन कर दी और एक नया वाद चला दिया। पुरानेपन का, पुरानी कुरीतियों का नाश किसी ने भी नहीं किया। वो कार्य शंकर के द्वारा परमात्मा आकर किया। सारा वाद धर्मों का विनाश, धर्म के नाम पर जो वितंडावाद फैलाने वाले जितने भी अधर्म बन गए हैं उन सब अधर्मियों का विनाश और सब धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आके कराता है। तो ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण तो तैयार हुए पड़े हैं, लेकिन उनकी प्रत्यक्षता तब तक नहीं हो सकती जब तक ढेर की ढेर तादाद में जो रावणों, कुंभकर्णों, मेघनाथ जैसे दुष्ट ब्राह्मण भी पैदा हो जाते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी होती है,
जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, जो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, ब्रह्मा के चोले को ज्यादा महत्व नहीं देते, ब्रह्मा से ब्रह्मा के शरीर को देह को प्यार नहीं करते, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह को प्यार नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी को ज्यादा प्यार करते हैं, महत्व देते हैं। वो मुखवंशावली ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे थोड़े होते, सप्तऋषि जी ने कहा जाता है, और बाकी सब आसुरी ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं ढेर की ढेर तादाद। ये प्रैक्टिकल में अभी साबित होने वाला है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो देश में गांव गांव में और विदेशों में भी जो फैला हुआ है, उसमें अच्छे से अच्छे तबके के भी ब्राह्मण हैं, लेकिन थोड़े हैं, और खराब से खराब तबके के भी ब्राह्मण हैं, जो बहुत तादाद में। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली बोली है, उसी में बाबा ने बोल दिया है कि दुष्ट से दुष्ट दुनिया के देखने हो तो यहाँ ब्राह्मणों के अंदर देखो, और अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं देखना हो तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर देखो। माने सब तरह की आत्माएं, वही आत्माएं हैं जो हिंदू से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। दूसरे धर्म वाले तो कभी कन्वर्ट कर होकर हिंदू बने ही नहीं, सिवाय आर्य समाजियों के। आर्य समाज तो अभी अंतिम 100 वर्षों में फैला है, उससे पहले जितने भी धर्म पिताएं आए वो सब हिंदुओं में से ही कन्वर्ट करके अपना धर्म बढ़ाते रहे, संख्या बढ़ती रही दूसरे धर्म वालों की, और हिंदुओं की संख्या कम होती रही। दुनिया में जो धर्म अभी अभी आए 1000-2000 साल के अंदर, वो 100-200 करोड़ की तादाद में जा रहे, और देवताओं की देवता धर्म की जो आत्माएं हैं जो हिंदू कही जाती हैं, उनकी संख्या 33 करोड़। संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए, पुराने वालों पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या जो नए नए धर्म दुनिया में आए उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए? पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उनकी संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। कन्वर्ट क्यों होते रहे? वही आत्माएं कन्वर्ट होती है जो पहली चतुर्युगी जो उससे पहले हुई है, पूर्व करती है, दूसरे दूसरे धर्मों से खींच करके परमात्मा ने उनसे आत्माओं को, दूसरे धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके ब्राह्मण बनाया था। वो ही ब्राह्मण आत्माएं अभी नंबरवार नौकुरियों के ब्राह्मण तैयार हो गए। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मणों की नौकुरियां होती है, नौ ऋषि हुए हैं, उन नौ ऋषियों के नाम पर ब्राह्मणों के नौ गोत्र हुए। कोई काश्यप गोत्र के ब्राह्मण, कोई भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, एक से एक अच्छे ब्राह्मण भी और एक से एक नीतिपुरी के भी ब्राह्मण बताए गए। तो प्रैक्टिकल में अभी तैयार हो गए। उनमें श्रेष्ठ हैं दो वंश जो शास्त्रों में गाये हुए हैं, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। तो शंकर जो तीसरे नेत्र के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो है ज्ञान सूर्य, और ब्रह्मा जो शीतल ज्ञान देता है बच्चों को, वो शीतल ज्ञान की प्रकाश देने वाला है ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती हैं, और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े सब खलास हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो ब्राह्मण तैयार हुए हैं वो दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की जैसी संख्या वाले भी ढेर के ढेर हैं, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी श्रेष्ठ संख्या वाले मुखवंशावली ब्राह्मण जो मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं वो थोड़ी तादाद। यज्ञ के आदि में जो थे एकदम शुरुआत में सन 36 से लेकर के 46-47 तक जो थे और उस समय चले गए वो थे सूर्यवंशी। उसके बाद फिर ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो वाणी चली है
जिसे मुरली कहा गया, ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में सब धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही। चंद्रवंशी भी पले, बौद्धिवंशी भी आत्माएं, इस्लाम वंशी भी पले, माने हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं जो ब्राह्मण बने वो ब्रह्मा की गोद में पलती रही और वो अभी भी ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में पल रही है। वहां जो वर्चस्व है ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद, वो उन्हीं विधर्मियों का वर्चस्व हो गया है पूरा। जो चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वहां उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वो आत्माएं मोस्टली असिस्टेंट टीचर्स के रूप में तो कार्य कर रही होंगी, लेकिन इंचार्ज के रूप में बहुत थोड़ी आत्माएं, और जो इंचार्ज के रूप में काम कर भी रही हैं, उनके ऊपर जो पुराने पुराने सिंधी हैं, जिनका नाम शास्त्रों में जरा सिंधी दिया गया है, जरा माने पुराने, जरा माने जीर्ण और सिंधी माने सिंधी, क्योंकि इस ज्ञान की शुरुआत जो है सत्संग की शुरुआत सिंध हैदराबाद से हुई थी। जो दुनिया के सबसे गिरी हुई किस्म के ब्राह्मण माने जाते हैं, जो मांस गोश्त मछली अंडा शराब, पश्चिम साइड के ब्राह्मण, ये माना जाता है जितना जितना पूर्व साइड का ब्राह्मण होगा उतना उच्च कुल का होगा, और जितना जितना पश्चिम साइड का ब्राह्मण होगा, जैसे सिंध हैदराबादी ब्राह्मण सिंधी ब्राह्मण, वो नीची कोटि के होते हैं, उनका खान पान रहन सहन सब नीचा होता है। तो सबसे नीची कोटि के ब्राह्मण में परमात्मा से वो पहले प्रवेश करते हैं और उसका नाम देते हैं दादा लेखराज, वो माँ के रूप में पाठ लेते हैं। इसलिए शिव की जो तीन मूर्तियां गाई हुई है, उन तीन मूर्तियों के तीन तबके हैं, जो आज भी झंडा के रूप में हमारे भारतवर्ष में जो झंडा है वो यादगार दिखाई गई है, तीन कपड़ों की यादगार। कपड़ा माने वस्त्र, शरीर रूपी तीन वस्त्र हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी। वो तो गाते रहते हैं स्कूलों में, बच्चों से गीत गवाते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते, विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे। कोई कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है। दुनिया में इतने झंडे हैं, कोई दुनिया का ऐसा झंडा है जिसने विश्व विजय करके दिखाई हो? लेकिन भारत के झंडे के लिए ये गायन है। माने तीन प्रकार के जो वस्त्र हैं, ऊपर है लाल वस्त्र, बीच में है सफेद वस्त्र और नीचे है हरा वस्त्र। तो ऊपर का जो लाल वस्त्र है दुनिया में क्रांति करने का सूचक, क्रांति से ही शांति होती है, सब धर्मों में खंडन कर देता है। शंकर का जो तीसरा नेत्र है, दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन कर देता है। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो धारणाएं स्थापन की है उनका संवर्धन करता है। माना ब्रह्मा द्वारा जो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है उसका संवर्धन, सच्चे ब्राह्मणों का संवर्धन, और जो दुष्ट ब्राह्मण है, दुष्ट सृष्टि है, वो सारी सृष्टि का विनाश। धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसे गीता में श्लोक आया है ना, विनाशाय च दुष्कृतम्। भगवान किस लिए आता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, और दुष्ट कार्य करने वाले जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए। आज दुनिया का ऐसा देश कौन सा है जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है ये आतंकवादी है? और वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सबके ऊपर आक्रमण करके उनको हड़प करता जा रहा है, अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है, ऐसा देश कौन सा है? है? अमेरिका। अमेरिका में कौन सा धर्मखंड के लोग ज्यादा है जो वहां वर्चस्व में है? ईसाई। है? ईसाई। ईसाई क्रिश्चियन धर्म के लोग। ऐसे ही अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दुनिया का छोटा रूप देखा जा सकता है। ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जा सकती है। कृष्ण के भी कहते हैं पांव में कांटा लगा था, बहेलिये ने कांटा मारा तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और क्राइस्ट के भी पांव में हाथों में
कांटा दिखाते हैं कि उन्हें ठोक दिया गया तो उन्होंने शरीर छोड़ा। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने जन्म किसी और माता से लिया और पालना कहीं दूसरी जगह हुई। ऐसे ही क्राइस्ट के लिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने किसी कुमारी से जन्म लिया और फिर पालना हुई उनकी बाद में कहीं और। तो बहुत सी बातें जो है कृष्ण के जीवन में जो है वो क्राइस्ट के जीवन में भी देखने में आती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म में दिखावा है बहुत ज्यादा, ऐसे ही कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारा दिखावा दिखाया गया है। कृष्ण को कृष्ण के भक्तों ने बहुत ऊंचा करके दिखा दिया, लेकिन यहां तक दिखा दिया कि वो भगवान की तरह साबित कर दिया कि गीता का भगवान साकार में जो रूप था वो कृष्ण था। अब गीता पढ़ी जा रही है तो पढ़ने वाले देखते हैं उसमें ढेर सारे ऐसे श्लोक हैं जिन श्लोकों से ये साबित होता है कि वो तो निराकारवादी रचना है। गीता में ऐसे ढेर श्लोक हैं जिनसे ये साबित होता है वो निराकारी दुनिया का रहने वाला है भगवान। भगवान स्वयं गीता में श्लोक में बोल रहा है न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम माना जिस दुनिया में सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं इस मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटती नरक की दुनिया, वो मेरा परम धाम। शांति धाम कहो, परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, सोल वर्ल्ड कहो, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो सोल वर्ल्ड माने निराकारी आत्मा, सोल वर्ल्ड का रहने वाला भी तो निराकार होगा। तो निराकार तो भगवान साबित होता है गीता, लेकिन गीता लिखने वालों ने किसका नाम ठोक दिया उसमें? श्री कृष्ण भगवान का, कृष्ण का नाम ठोक दिया। तो ये जो कृष्ण का नाम ठोका गया है ये कृष्ण के फॉलोअर्स ने ठोका। ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसकी शूटिंग होती है। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शूटिंग कराते हैं संगमयुग में, कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में 5000 वर्ष का जो भी ड्रामा है चार युगों का, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, इन चारों युगों की चार सीन की शूटिंग कराते हैं। वो चारों युगों की शूटिंग में परमात्मा जो है वो सारा ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ज्ञान दे करके उनको जिंदा करते हैं। जैसे अज्ञानी है, जैसे कि अज्ञान नींद में सोया हुआ है, मरा पड़ा है, जैसे मुसलमान लोग किसी लोग मानते हैं कि खुदा आकर के जब कयामत होगी तो कब्र में से आत्माओं को उठाएगा और वो जिंदा हो जाएगी। जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है वो कब्र दाखिल हो जाती है, ऐसे मुसलमानों की क्रिश्चियंस की मान्यता है। कब्र दाखिल हो जाना का अर्थ नहीं समझते, कब्र दाखिल हो जाने का सही अर्थ यह है कि इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो ज्ञानयुक्त होती है इस सृष्टि पर, आदि में असली ज्ञान उनके पास होता है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है, ये ज्ञान उनके अंदर होता है। लेकिन कलयुग के अंत में आते आते ये ज्ञान उड़ जाता है, असलियत का जो ज्ञान है वो उड़ जाता है। माने सारी आत्माएं जो है वो मिट्टी अपने शरीर को समझने लगती है, अपने को ये समझती है कि हम बस मिट्टी के पुतले हैं। ये सबको भूल जाता है कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है। हिंदू भी भूल जाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि आत्मा ज्योतिबिंदु यहाँ टिकी हुई है स्टार। सिर्फ दिखाने के लिए टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, लेकिन उनको याद नहीं है वो आत्मा ज्योतिबिंदु, उस ज्योति बिंदु में कैसे अनेक जन्मों का संस्कार भरा हुआ है ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। उस आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्तियां समाई हुई है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो शरीर छोड़ करके आत्मा चली गई
तो उस शरीर में मुर्दा शरीर में मन बुद्धि रह गई, शरीर छोड़ के आत्मा चली गई, मन मन बुद्धि की शक्ति चली गई, बाकी सारा शरीर रहा हुआ है, दसों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां रही हुई है, पूरा शरीर रखा हुआ है, क्या निकल गया? मन बुद्धि की पावर निकल, जो मन बुद्धि की पावर है वही आत्मा है, वो मन बुद्धि की पावर जो ज्योति बिंदु के रूप में यहाँ मस्तक में निवास करती है, उसी की रोशनी आंखों में से निकल रही है। मनुष्य की मृत्यु होती है तो आंखों की रोशनी चली जाती है, माने आत्मा ज्योतिर्मय है, वो ज्योतिर्मय आत्मा गई, आंखें बटन हो गई, उसमें कोई रोशनी नहीं रह गई, तो वो ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप अति सूक्ष्म आत्मा जो भ्रकुटी के मध्य में निवास कर रही है, वो अपन को अभी देह समझ रही है। हर मनुष्य अपने को देह समझ रहा है, किसी से पूछो आप कौन है तो कहेंगे हम डॉक्टर, आप कौन है वो कहेंगे हम वकील, आप कौन है हम प्राइम मिनिस्टर, आप कौन है कहेंगे हम चमार हैं, जूता गांठने वाले, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये कोई नहीं बताता कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है। एक कलयुग के अंत में सब ऐसे कब्र दाखिल हो जाते, कब्र माने मिट्टी, जो भी आत्मा है सब इस शरीर रूपी मिट्टी में समा गई, जैसे कि मिट्टी बन गई, अपने को देह समझ बैठती है, तो ये उसका अर्थ है कब्र दाखिल होने का। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, आखिरी जन्म में आकर के सब कब्र दाखिल हो जाते। अब विनाश का टाइम आ गया, एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का टाइम आ चुका है, शंकर जी के नाम के साथ बम बम शब्द लगाया जाता है, कोई कारण होगा, विष्णु के नाम के साथ क्यों नहीं हर हर बम बम लगाया जाता है, ब्रह्मा के साथ बम बम शब्द क्यों नहीं उच्चारण किया जाता है, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा बम्बों का विस्फोट नहीं कराते, बम्ब बनवाना और बम्बों का विस्फोट कराना ये उसके हाथ में नियंत्रण शक्ति है। जब वो परमात्मा इस शक्ति पर आता है उसी समय एटम बम्ब नाम की चीज मनुष्यों की बुद्धि में आती है। सन 36 से ये ज्ञान शुरुआत हुई, उसके 7-8 साल के बाद 20-20 मेगावाट के बम्बियां बनी थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर पहले विस्फोट की गई, उससे 5-7 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में एटमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। कहां से ये ज्ञान आया? वो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर जब आता है तो शंकर के द्वारा प्रेरणा दे करके उन वैज्ञानिकों से वो एटमिक एनर्जी तैयार कराता है। उन एटमिक एनर्जी तैयार करने वालों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका विस्फोट करके सारी दुनिया का ध्वंस कर दे, वो ताकत भी उनमें तब आएगी जब शंकर तीसरा नेत्र खोलेगा और उनको ऑर्डर करेगा, माने प्रेरणा देगा कि अब इस दुनिया का ध्वंस करो, नई दुनिया तैयार हो गई, नई दुनिया का संगठन तैयार हो गया, न माने जन्नत तैयार हो गई, पैराडाइज तैयार हो गया, स्वर्ग की नई दुनिया तैयार हो गई, अब इस पुरानी दुनिया का 500 करोड़ का विनाश। तो ये विनाश का कार्य सिवाय महादेव शंकर के दुनिया की कोई भी हस्ती नहीं कर सकती, न करा सकती, इसलिए उनको महादेव की स्टेज पर बैठाया गया। तीन मूर्तियां, ब्रह्मा की मूर्ति, उससे ऊपर विष्णु की मूर्ति सफेद कपड़ा, और उससे ऊपर शंकर की मूर्ति जिसकी यादगार है लाल कपड़ा। क्या क्रांति करता है? जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों में ऐसा ज्ञान फैलाता है कि वो सब धर्म स्वतः ही खलास हो जाते हैं लड़े लड़े, और सद्धर्म की स्थापना हो जाती है। जो सद्धर्म स्थापन होता है, जो नया संगठन बनता है, उसकी पालना का काम विष्णु को सौंपा जाता है। विष्णु कोई चार भुजाओं का व्यक्ति नहीं होता, चार भुजा माने चार विशेष आत्माएं सहयोगी बनती हैं,
संस्कार उनके चारों के मिलके एक बन जाते हैं, जिसको विष्णु भगवान कहा जाता है। चार कौन सी आत्मा? राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। राधा कृष्ण और राम सीता, ये चार सहयोगी भुजा के रूप में कहे जाते हैं। भुजा माना सहयोगी, कहते हैं ना हमारा भाई मर गया जैसे हमारी दाहिनी भुजा टूट गई, तो भुजा टूट गई, दाहिनी भुजा टूट गई का मतलब क्या हुआ? सहयोगी समाप्त हो गया। तो भुजा की निशानी जो है वो शास्त्रों में या शास्त्रकारों ने या जो अजंता एलोरा एलिफेंटा में चित्र बने हैं आज से 2000 साल पहले, वो चित्रकारों ने वो भाव भरा था उन भुजाओं में कि भुजा के रूप में कार्य करने वाली चार विशेष आत्माएं है इस सृष्टि की, जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनती है। वो संगठित जब होती है तो उनको विष्णु रूप कहा जाता है, विष्णु भगवान। वो नई सृष्टि की पालना का कार्य करती है चारों मिलकर। तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती, उन्होंने तो 68-69 तक कार्य किया इस सृष्टि पर, और उसके बाद अभी शंकर के द्वारा, शंकर और उनकी सहयोगिनी शक्ति पार्वती, ये दोनों शक्तियां राम और सीता, ये दोनों मिलकर के अभी भी यज्ञ में कार्य कर रहे हैं। एडवांस पार्टी के द्वारा इनका कार्य संपन्न हो रहा है, और संपन्न होने के बाद जैसे ही वो एडवांस संगठन तैयार हो जाएगा, वैसे ही ब्राह्मणों के संगठन की जो पुरानी दुनिया है जिसकी सत्ता असुरों के हाथ में चली गई, कन्वर्टेड ब्राह्मणों के हाथ में चली गई, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण जो कम कला के ब्राह्मण होते हैं और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारत का नाम बदनाम कराते हैं, दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का नाम बाला करते हैं और भारत को धोखा दे जाते हैं, हैं पावरफुल आत्मा, क्योंकि भगवान का ज्ञान उन्होंने भी कभी लिया था, लेकिन पावरफुल होने पर भी वो ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ते। ज्ञान दाता ने जिसमें प्रवेश करके ज्ञान दिया है उस व्यक्ति का आधार लेते हैं। क्या परमात्मा शिव है ज्ञान सुनाने वाला, और वो प्रवेश करता है राम और कृष्ण में, कोई राम कृष्ण का भगत बन जाए और शिव को कोई महत्व ना दे, एक तो है शिव को महत्व देने वाली आत्मा और एक है राम कृष्ण देहधारियों को महत्व देने वाली आत्मा, तो कौन सी श्रेष्ठ है? जो मुख से सुने हुए ज्ञान को महत्व दे वो है शिव को महत्व देने वाली, क्योंकि ज्ञान है निराकार चीज, और जो साकार देहधारियों को महत्व दे वो हुए देह को महत्व देने वाले देह अभिमानी। तो देवान से पैदा होने वाले हुए राक्षस और ज्ञान से पैदा होने वाले हुए देवता है। देवताओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या है 33 करोड़, जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं और इस सृष्टि पर आकर के सुख का, स्वर्गीय सृष्टि का अनुभव करते हैं। बाकी इतनी दुनिया जो बढ़ी हुई है 500-700 करोड़ मनुष्य है इस दुनिया में, वो सब आसुरी संस्कार वाली आसुरी। अब ये आसुरी दुनिया का ध्वंस होने वाली है, एटमिक एनर्जी बनी ही इसलिए कि जैसे ही नया संगठन तैयार हो जाए वैसे ही पुरानी दुनिया का 5-7 रोज के अंदर खेल खड़ा सा हो जाए। वो होगा चतुर्थ विश्वयुद्ध, उससे पहले होना है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, जिसके आसार अभी भारत में देखे जा रहे हैं। इसका पक्का प्रूफ यह है कि भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही है उतनी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो सब आपस में लड़ रहे हैं। भारतवर्ष में जितने धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पनप रही है, इतनी ज्यादा से ज्यादा धर्मों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा धर्म के धर्मावलंबी दूसरे देशों में, क्रिश्चियन धर्मखंड है तो वहां क्रिश्चियन से ही ज्यादा होंगे, दूसरे धर्मखंड लोग ना के बराबर,
बौद्ध धर्म खंड होगा तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ही वहां ज्यादा होंगे, जैसे तिब्बत, दूसरे धर्म के लोग उतनी संख्या में, ज्यादा संख्या में नहीं। एक दुनिया की एक ही ऐसी राजधानी है जहां सब धर्मों ने अपना राज्य गमाया किया है, दिल्ली। आज भी देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां मंदिरों की जितनी बहुतायत है उतनी बहुतायत गिरजाघरों की भी है, उतनी बहुतायत मस्जिदों की भी है, उतनी बहुतायत गुरुद्वारों की भी है। माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और दिल्ली उसकी कैपिटल है। तो ये दूसरा धर्म का प्रूफ। तीसरा प्रूफ है जितने राज्य इस छोटे से देश में है और राज्यवाद के आधार पर जितना ये देश आपस में लड़ रहा है उतना दूसरे किसी देश में इतना झगड़ा नहीं। जो एमपी के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, यूपी के लोग हैं वो यूपी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा, आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है।